नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। मित्रों, खबरों को दिखाने के पहले हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस कोरोना जैसे भयंकर महामारी से खुद को बचें और अपने देश को बचाएं। लॉकडाउन की स्थिति को गंभीरता से लें और प्रशासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। आपका एक छोटा सा सहयोग आपके परिवार के साथ पूरे देश को बचा सकता है। मित्रों, आप अमेरिका, इटली और रूस जैसे देशों को देखें जो भारत से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं और इस महामारी से बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने घरों में रहें और प्रशासन की बात को गंभीरता से सुने। अब एक नज़र खबरों की तरफ। लगभग 55 लाख की आबादी वाला जनपद आजमगढ़ कोरोना वायरस के प्रकोप से सहमा हुआ है, तो वही उसके बचाव की भी व्यवस्था बाजार से गायब है। सबसे जरूरी मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड इस वक्त सबसे ज्यादा है, जिसकी उपलब्धता आवागमन ठप होने के कारण पूरी तरह से प्रभावित है। स्टॉकिस्ट की माने तो सबसे ज्यादा डिमांड मास्क और सैनिटाइजर की हो रही है, जो पूरे बाजार से गायब है। पूरी तरह से लॉकडाउन होने के कारण आवागमन जरूरी सामानों का नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी होगी। मेडिकल शॉपकीपर अब खुद ग्राहकों से कह रहे हैं कि वह स्प्रिट साबुन और मास्टर की जगह गमछा रुमाल लगाकर काम चलाएं और सरकार के नियमों का पालन करें। सुनते हैं क्या कहते हैं शिव कुमार गुप्ता, होलसेलर। मेरा नाम शिव कुमार गुप्ता है। शिव जी, ये बताइए कि आप आजमगढ़ में दवा का स्टॉक कर रहे हैं, किस तरीके की डिमांड आ रही है और क्या प्रॉब्लम है? आजकल तो जो है सैनिटाइजर और मास्क की ज़्यादा डिमांड आ रही है, लेकिन आपूर्ति उसकी हो नहीं पा रही है, क्योंकि जो है लॉकडाउन होने से जो है यातायात व्यवस्था भी जो है डिस्टर्ब है। न बस की सुविधा है, न ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। कस्टमर आ रहे हैं, वापस चले जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इसके लिए अलग से जो है कोई ना कोई व्यवस्था करे, ताकि आम जनता को जो है सुविधा मिले। तो किस तरीके सैनिटाइजर और नहीं मिला तो आम जनता किस तरीके से उसका? अब उसका यह है कि अपना वो या तो स्प्रिट वगैरह से काम चलावे, रुमाल हो, गमछा हो, ये भी अपना अगर नहीं मिल रहा है तो लगा के किसी तरीके से अपना बचाव करे और लोगों से दूरी बना के रहे, सरकार के निर्देश का पालन करे।